यूपी में इन दिनों चारों तरफ कैसरगंज लोकसभा सीट की चर्चा है। काफी कयासों और अटकलों के बीच आखिरकार भाजपा ने यहां से वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट ही दिया। ब्रजभूषण सिंह की जगह अब भाजपा ने उनके छोटे पुत्र करण भूषण को टिकट दिया है। पहले से ही माना जा रहा था कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण सिंह का टिकट भाजपा काट सकती है, आखिरकार हुआ भी वही। हालांकि अब कैसरगंज सीट को लेकर संशय की स्थिति तो खत्म हो गई है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण सिंह अपने पुत्र को टिकट देने से भाजपा से खुश हैं या नहीं। ये उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है, क्योंकि टिकट कटने के बाद लोगों को इंतजार था कि ब्रजभूषण सिंह की प्रतिक्रिया क्या होगी। मीडिया से बात करते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूं। 1989 से मैं बीजेपी से जुड़ा हूं। एक बार मैंने स्वयं पार्टी छोड़ी थी और सपा से चुनाव लड़ा था। पार्टी हमसे बड़ी है, पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो सोच समझ कर लेती है। हम लोग पार्टी के फैसले से खुश हैं, साथ ही हमारे क्षेत्र की जनता भी प्रसन्न है। पार्टी के निर्णय से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि निर्णय आ गया है, सारी बातें समाप्त हो गई हैं। संगठन ने जो कदम उठाया है हम उसका स्वागत करते हैं। वहीं कैसरगंज सीट से नामांकन से पहले ब्रजभूषण सिंह के आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुँच गए, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि तैयारी जो करना है जनता को करना है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं, आसपास के कई जिलों के गोरखपुर, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, सारे जगह कार्यकर्ता जुटे हैं और अभी गोंडा चलेंगे, हमको लगता है ठीक ठाक रहेगा। पुत्र करण भूषण सिंह को टिकट मिलने के बाद ब्रजभूषण सिंह की भूमिका क्या होगी, इस पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिता होने के नाते सक्रियता की जिम्मेदारी तो बनती है, अब खेल जनता के हाथ में है।